बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा जी, ये टेक्सला मवेशी मंडी बकरियों वाली साइड है जी। ये देखें, ये सब एरिया जो है जी बकरियों वाला एरिया है, ठीक है। बकरे, बकरियां, कजले, दुम्बे, ठीक है, आम दुम्बे, हर तरह का माल आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दूध वाली बकरियां और पट्ठे जो हैं उनका रेट पता कर लेते हैं जी। जुमे वाले दिन ये मंडी लगती है जी, ठीक है। इब्तदा है बावल नगर वाली मक्खी चीनियों से करते हैं जी, ठीक है। क्या रेट है ना दा जी? 17-17 हज़ार इनका पट्ठों का मांग रहे हैं जी। मक्खी चीनी है, ठीक है, दो महीने की हैं। उस्ता जी, तीनों का एक रेट है, ठीक है, ठीक हो गया जी। फिर जी दूध वाली आए और गबन, सब बकरियों का मैं आपको बताता हूँ। इस चिट्टी का क्या रेट है? 55 हज़ार जी। कल शाम को सुई है, दो बच्चे हैं, ये वाले नीचे ये वाले बच्चे हैं जी। ये हूँ इसका कितना सूआ है? तीसरा सूआ है जी, 55 हज़ार मांग रहे हैं। डेढ़ फिलहाल किलो, 1.5 किलो दूध है जी। कल सुई, कल सुई है, बोले में है ना, बच्चे ही पीते हैं, ठीक है। फिर ये हैं जी, ये गबन है, ये सब गबन है, सब गबन, जितनी भी हैं ये सब 10-12 हैं जी, गबन है। पहली दफा जो जी, ये पहली दफा वाली, इसका क्या रेट है? 50 हज़ार। इसका मान 40 हज़ार, इसका 40 हज़ार जी। ये चीनी मक्की दा, ये देखें मक्की चीनी क्रॉस है जी, ठीक है। इसका कितना? 55 हज़ार मांग रहे हैं। कितने कितने दहाड़े कट दिया ने तकरीबन? 8-8, 10-10 दिन निकालते हैं, ठीक है। ये देखें खूबसूरत चीज़, एवाना भी देखें आप, सब ये इस तक के रेट है। पहली 40 हज़ार, ठीक है, पहला ने ये होते राजनपुरी भी ढाई महीने की गबन है जी। उस तक के रेट है 25 हज़ार मांग रहे हैं राजनपुरी मिक्स में, ठीक है। ये देखिए 25 हज़ार, ढाई महीने की गबन है, ठीक हो गया। बच्ची है, पहला सूआ होगा इसका। और जी, और क्या नंबर दस? नंबर 0313-0313-590-5793-64 नंबर है जी भाई का, ठीक है जी। ये देखें ये सब बकरियां इनके पास हैं, नंबर आपने सुन लिया है। अच्छी चीज़ का अच्छा रेट होता है जी, ठीक है। और फिर बुरी चीज़ का, ज़रा नीचे वाली चीज़ का, दरअसल में आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो देख लिया करें नस्ल का, रेट बन जाता है, ठीक है। अच्छी चीज़ का अच्छा रेट होता है, नॉर्मल चीज़ का ज़रा नॉर्मल होता है, ठीक है। ए जड़ी बैठी थी बच्चे वाली, इसका क्या रेट है? फाइनल 28 हज़ार जी, 28 हज़ार से कम नहीं करेंगे। दो बच्चे हैं ये वाले, इस साइड वाले ये वाले जी, दो बच्चे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। ये आपने देखा है, मजदूरी थोड़ी। फिर ये और भी हैं जी, ठीक है। ये भी इनकी आप पहले देख चुके हैं जी, नंबर आपने सुन लिया है भाई का, ठीक है, तो कंसेशन भी करेंगे। ये देखें जुमे की नमाज का टाइम है, गाहक तो ना होने के बराबर है। जुमे की नमाज कुछ लोग पढ़ चुके हैं, कुछ रहते हैं, तो बुज़ुर्गों ने इशारा किया है आपके सामने, तो इनसे मिल लूँ। अस्सलामु अलैकुम जी, अच्छा ठीक हो, क्या हाल? इसका क्या रेट? 25 हज़ार मांग रहे हैं जी। नाल बच्चीस बच्ची है साथ जी, 25 हज़ार मांग रहे हैं। ये देखें, ठीक है, ठीक है जी, वो भी साथ हैं जी, 25 हज़ार मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो, खैर खरीत?
ਤੁਸ ਬਸਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਨਾ ਤੇ ਪੱਠਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ 13-13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਠੋਂ ਕਾ ਜੀ ਦੇਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਹੈ 25 ਔਰ ਯੇ 13-13 ਹਜ਼ਾਰ 39 ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਇਨਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਨੰਬਰ ਇਨਕੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਭਾਈ ਦੱਸ ਚੁਣ 0311-5841 056 ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ 32,000 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ 27 ਕੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਕਾ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਆਮੁਰ ਭਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਮੁਰ ਭਾਈ ਕੋ ਆਪ ਜ਼ਹਿਨ ਮੇ ਰੱਖ ਲੇ ਆਮੁਰ ਭਾਈ ਕਾ ਨੰਬਰ ਆਪਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਇਨਸੇ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇਨਕੇ ਫਰਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੈ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ 35,000 ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ 44 ਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ 0311-0354-0557-84 ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਬੋਣੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਬਨ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਬਨ ਇਸ ਦਾ 28,000 ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਗਬਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ 20 ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ 20 ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰ ਬਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ 35,000 ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਭਾਈ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੀ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ 35 ਦੋ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜੀ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਾਂਤ ਸੇ 4 ਦਾਂਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਲੋ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਸਦਾ ਵੀ ਦੂਆ ਸੂਆ ਹੈ ਤ੍ਰੀਆ ਦੂਆ 35,000 ਇਸਕਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਵਾਲੀ ਕਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ ਹੈ ਆਪਕੋ ਔਰ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈ ਪੱਠੇ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪੱਠੋਂ ਕਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਪੱਠੋਂ ਇਸ ਪੱਠਾ ਦਾ 18,000 ਇਸ ਪੱਠ ਕਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਇਸਕਾ 14,000 ਇਸ ਕਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸਕਾ 20,000 ਔਰ ਇਹ 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 20,000 ਇਸ ਕਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਬੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੀ ਬਾਗ ਜਾਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਦਾ ਜੋੜੇ ਕਾ 20,000 ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਕਾ 16,000 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਹੋਰ ਇਸਕਾ 18,000 ਜੀ ਇਸਕਾ ਵੀ 18,000 ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 18-18 20-20 16-16 16,000 ਜੀ ਇਨਕਾ ਇਸਕਾ ਵੀ 16,000 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਕਰੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ 0311-0311 56-47 217 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸਫੇਦ ਗਬਨ ਸਫੇਦ ਜੀ ਗਬਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਬਸ ਛੋੜ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੂਆ ਹੋ ਸੀ ਸੇ 8-10 ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ 8-10 ਦਿਨ ਨਿਕਾਲਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਹੈ ਜੀ 45,000 ਇਸਕਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਪਨੇ ਬਾਈ ਕਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸਕਾ ਇਸਕਾ ਤੋ ਇੱਕ 40 ਮੰਗ ਰਹੋ ਇੱਕ 55 ਬੋਲ ਰਹੋ ਆਪਸ ਮੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾ ਬਾਬਾ ਇਸਕਾ 55 ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਾ 40 ਗਬਨ ਸ਼ਬਨ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਗਬਨ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਅੱਛਾ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਹੈ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੋਗਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗਬਨ ਹੈ ਜੀ 55 ਔਰ 40 ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ये भी है जी ये गुजरी नस्ल वाला है माशाल्लाह ये देखिए ये गुजरी नस्ल वाला सरपाट है पहला पहली पहला सरपाट है दो बच्चे हैं इसके साथ ये वाला बच्चा नहीं नहीं वो दो बने वो उस तरफ इसका क्या रेट है 60,000 मांग रहे हैं देखिए माशाल्लाह इसका हवाना चेक करें नंबर बताएं अपना जी ये आपके पास है नंबर बताएं
0318 53 175 175 ठीक। इन दोनों के लिए नंबर सुन लें जी, जो पहले हैं मक्की जीनी क्रॉस, नंबर बताएं। 0316 977 900 00 54 54 नंबर है भाई का, ठीक है। कंसेशन भी करेंगे, और भी इनके पास माल वगैरह है जी, पट्ठे वगैरह भी हैं, और भी बकरियां इनके पास होती हैं, मुनासिब कंसेशन करेंगे जी, ठीक है। टेक्सला मवेशी मंडी पे, ये सारा टेक्सला मवेशी मंडी का व्यू था जी, ठीक है। तो फिर किसी टाइम इंशाल्लाह आपको मज़ीद बताएंगे जी। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं टेक्सला मवेशी मंडी से, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।